बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन को शुरू हुए एक वीक हो चुका है और दूसरा वीक शुरू हो गया है। बीते एपिसोड में रणवीर शौरी मनीषा और चंद्रिका से अपने पिता की मौत के बारे में बात करते हुए नजर आए और बताया कि 2022 में उनकी मौत हो गई और उसके बाद वो अकेला महसूस करने लगे। रणवीर शौरी को जवाब देते हुए चंद्रिका ने अपने पिता के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बिग बॉस ओटीटी 3 की कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित, जिसे वड़ा पाव गर्ल भी कहा जाता है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की कंटेस्टेंट वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने ऐसा खुलासा किया कि हर कोई हैरानी में पड़ गया। उन्होंने बताया कि जब वो 6 साल की थी तब उनकी माँ का निधन हो गया था। वो अपने पिता के साथ कभी भी अच्छी तरह से नहीं रही और उनका ख्याल भी नहीं रखा गया। फिर रणवीर ने उनसे पूछा कि वो अपने माता पिता के बिना कैसे बड़ी हुई। उसके बारे में बात करते हुए चंद्रिका ने बताया कि उनके पिता उनको किसी न किसी रिश्तेदार के पास छोड़ देते थे और उनकी माँ की मौत के बाद उनके पिता शराबी हो गए थे। इसके बाद वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित आगे बताती हैं कि कैसे उनके पिता ने 4 से 5 बार शादी की और कभी उनकी परवाह नहीं की। चंद्रिका की बात सुनकर रणवीर शौरी काफी हैरान हो गए, लेकिन चंद्रिका ने कहा कि यही सच है। हालांकि चंद्रिका ने आगे इसकी पुष्टि की और ये भी कहा कि वो अपने पिता से नफरत करती हैं। उन्होंने कहा, मुझे नफरत है उस आदमी से, जब मुझे जरूरत थी तब वो मेरे साथ नहीं था। चंद्रिका ने ये भी बताया कि कैसे उनकी नानी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर गोद लिया और फिर उनकी देखभाल की। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इस बारे में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अब कंटेस्टेंट के नए रंग भी सामने आने लगे हैं। घर में हर दिन नए रिश्ते बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अरमान मलिक ने शो में अपनी दोनों बीवियों के साथ एंट्री ली थी, लेकिन उनमें से एक पत्नी पायल मलिक एविक्ट हो चुकी हैं। अब मनीषा खतवानी इनके दोनों शादियों के बारे में बातचीत करती नजर आई। बीते एपिसोड में विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और मनीषा खटवानी को अरमान मलिक के अपने दोनों पत्नियों के साथ एक ही छत के नीचे रहने के बारे में चर्चा करते हुए देखा गया। विशाल हैरान थे कि क्या पायल मलिक को जलन होगी ये देखकर कि कृतिका को अरमान के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पायल खुद अब घर से बाहर हो चुकी है। वेल, अगर आप भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को फॉलो कर रहे हो तो आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से कंटेस्टेंट का गेम सबसे बढ़िया लग रहा है। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।